वहीं पीएम मोदी का 3 दिवसीय यूपी दौरा कल से 21 नवंबर तक यूपी में रहेगा। कल महोबा कार्यक्रम के बाद पीएम लखनऊ पहुंचेंगे और 19 और 20 नवंबर को लखनऊ में रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6,250 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही 21 नवंबर को पीएम मोदी लखनऊ से बांदा जाएंगे। बुंदेलखंड इलाके को पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी फिर से सत्ता में आने का तमाम कोशिशें कर रही। इसी कोशिशों के तहत जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां महोबा, लखनऊ और बांदा के दौरे पर रहेंगे, तो जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। लखनऊ और कानपुर में वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं करीब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे राजनेता जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय और एक के बाद एक दौरे कर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।